उनके कई चीजों का क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं, इनके जो ग्रैंडफादर थे वो गुजरांवाला से थे, तो वो क्रेडिट हम भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई हैव अ फीलिंग के जो ऋषि सुनाक से बेहतर ये क्राइसिस को मैनेज करने वाला टैलेंट उनकी पार्टी में नहीं है, दोनों पार्टीज में। ही इज द स्मार्टेस्ट, ही इज द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब इस वक्त में, और काफी चार्मिंग भी है। इंडिया का वो बंदा है, ऐसा क्या है उसमें कि इंडिया के लोगों में कि जो उसको बाहर के यूके के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो, लेकिन उसको इंडिया ओन कर रहा है बिकॉज ही इज हिंदू। लेकिन व्हाई पाकिस्तान डज नॉट ओन हिम, वो तो पाकिस्तान से उस वक्त गए ना, जो अभी की जो बाउंड्रीज अगर बनती हैं। मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करूंगा, अब मैं तब प्राउड फील करता अगर पाकिस्तानी जो है वो उनको लीड करता। ऋषि सुनाक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन टू टेक हिज ओथ ऑन द भगवत गीता। तो अब ये है कि ऋषि व्हाट डज ही थिंक, डज ही थिंक ही इज फ्रॉम गुजरांवाला एंड देयरफॉर पाकिस्तान, और डज ही थिंक ही इज फ्रॉम इंडिया। बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिग्नल जो उन्होंने भेजा है भगवत गीता पर शपथ लेकर जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ही इज सेंडिंग द सिग्नल कि आई एम हिंदू एंड आई एम नॉट जस्ट द फर्स्ट ब्राउन प्राइम मिनिस्टर, आई एम आल्सो द फर्स्ट हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नमस्कार दोस्तों, आज हर भारतीय के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है जब कोई भारतीय मूल का निवासी यूके का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। हालांकि पाकिस्तानी लोग आज उन्हें गुजरांवाला के बताकर, वहां से विस्थापित बताकर पाकिस्तानी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनको तब यह झटका पड़ा जब उन्होंने, ऋषि सुनक जी ने भगवद गीता पर हाथ रखकर प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली, और इसी के बाद उनका रिएक्शन देखने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं आगे, लेकिन हाँ प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। चलिए देखते हैं वीडियो आगे, पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन कैसा है। यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ऋषि सुनक उनका नाम है, और इनका तो ये भी कहा जा रहा है कि एशियन हैं और इंडिया से, इंडिया की साइड से हैं, तो क्या आप कहेंगे? आपने देखा उनकी तकरीर में उन्होंने कहा कि ये इट्स सच अ ग्रेट थिंग टू बी अ लीडर ऑफ द पार्टी आई लव एंड द कंट्री दैट हैज गिवन मी सो मच। तो लव उन्होंने कंट्री के लिए यूज नहीं किया, लव पार्टी के लिए इस्तेमाल किया, व्हिच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच मींस दैट इट वाज प्रोबब्ली नॉट अ रिटर्न स्पीच, वो स्पॉन्टेनियसली बोल रहे थे। बट आई हैव अ फीलिंग के जो ऋषि सुनाक से बेहतर ये क्राइसिस को मैनेज करने वाला टैलेंट उनकी पार्टी में नहीं है, दोनों पार्टीज में। ही इज द स्मार्टेस्ट, और ही इज बैकग्राउंड भी फाइनेंस से है, और काफी चार्मिंग भी है। सो आई थिंक ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज के अगले इलेक्शन में ही विल लीड हिज पार्टी टू विक्ट्री। इनके कई चीजों का क्रेडिट जो है वो इनके फैमिली इंडिया से है, तो इसलिए इंडिया में बहुत खुशी मनाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं, इनके जो ग्रैंडफादर थे वो गुजरांवाला से थे, तो वो क्रेडिट हम भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे कोई इन दोनों कंट्रीज में, पाकिस्तान और भारत के साथ टर्म्स में, या किसी तरह की भी कोई आप समझते हैं कि वो कोई ऐसी बात कर सकेंगे जिससे कि इन दोनों कंट्रीज को कोई फायदा हो? देखिए, वो पैदाइशी बरतानी है। अब जहां तक के जो ये दोनों मुल्कों के बीच में कॉम्पिटिशन है, ऋषि सुनाक साल में कई बार बेंगलोर जाते हैं, हर साल, ये नहीं कि दो तीन चार साल में एक बार, ही गोज क्वाइट फ्रीक्वेंटली, अपने ससुराल जाते हैं, बेंगलोर उनका ससुराल है। उनकी बेगम अभी भी इंडियन है। ऋषि सुनाक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन टू टेक हिज ओथ ऑन द भगवत गीता। भगवत गीता इज ए सेक्शन ऑफ महाभारत, सो ही हैज सोन ऑन द भगवत गीता। और जो उनकी जो पर्सनल वेल्थ है ना दोनों मियां बीवी की, इट इज अबाउट 850 मिलियन के करीब है। ये पहली बार है जब प्राइम मिनिस्टर किंग से ज्यादा अमीर है। प्रिंस चार्ल्स की नेटवर्थ इज $500 मिलियन। सो देयर इज ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टाइज बिटवीन इंडिया एंड हिज फैमिली, राइट? तो अब ये है कि ऋषि व्हाट डज ही थिंक, डज ही थिंक ही इज फ्रॉम गुजरांवाला एंड देयरफॉर पाकिस्तान, और डज ही थिंक ही इज फ्रॉम इंडिया। बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिग्नल जो उन्होंने भेजा है भगवद गीता पर शपथ लेकर जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ही इज सेंडिंग द सिग्नल कि आई एम हिंदू एंड आई एम नॉट जस्ट द फर्स्ट ब्राउन प्राइम मिनिस्टर, आई एम आल्सो द फर्स्ट हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है, और वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो ऋषि सुनक को क्यों ओन नहीं कर रहा जबकि भारत तो ओन कर रहा है। जो ऋषि सुनक है ही इज अ हिंदू ऑब्वियसली, इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे दे वर माइग्रेटेड फ्रॉम गुजरांवाला
वो तो पाकिस्तान से उस वक्त गए ना, जो अभी की जो बाउंड्रीज अगर बनती हैं। तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि ये पाकिस्तान इसको क्यों ऑन नहीं करता। शहबाज शरीफ जो हैं वो बेसिकली तो इंडिया से आए हुए हैं, क्या पाकिस्तान ऋषि सोनो को इसलिए ऑन नहीं करता कि वो हिंदू है? सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी एस्टोनिशिंग। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया तो मुझे पूछा कि जी इनका कोई गुजरांवाला में ताल्लुक, तो मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई सारे प्रोसेस में समझने में। जारी बात है हिंदूज जो हैं वो जो गुजरांवाला में थे वो चले गए बहुत पहले, कन्वर्ट हो गए, जकियों को जारी बात है वो कन्वर्ट कर लिया गया, कहीं हो गए। अगर मुझे गुजरांवाला में उनकी फैमिली को ढूंढना पड़े तो आई कॉन्ट फाइंड आउट। और दूसरा मंदिर वगैरह भी जो है हमने उनके जो है ख़त्म कर दिए हैं या उनको कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए इंडिया जो है वो बिकॉज ही इज़ हिंदू इंडिया इज सेलिब्रेटिंग दैम, बट टेक्निकली तो वो पाकिस्तान से थे, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट सेलिब्रेटिंग बिकॉज ही इज़ हिंदू। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ये कोई मुसलमान होता तो हमने अपने टीवी पर शोर मचा देना था कि देखो जी है तो पाकिस्तानी है लेकिन है मुसलमान है, तो हमने उसको आई थिंक दिस इज अ हिपोक्रेसी एट आर एंड एज वेल। ऋषि सुनक के हवाले से, इंडिया का बंदा है ठीक है, उसको यूके वालों ने जी अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया है, ऐसा क्या है इंडिया के लोगों में कि जी उसको बाहर के मुल्क वो प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं? जी जब से ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है हर पाकिस्तान की पाकिस्तानी की सोच में है कि ऋषि सुनक जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वो उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म बना दिया गया, ये ऐसा क्यों है? और उसका जवाब सिंपल है कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें लिटरेसी रेट ज़्यादा है, और लिटरेसी रेट और जहाँ पे जमहूरियत का सही तौर पे कोई फुकदान नहीं है वहाँ पर हमेशा काबिल लोगों की इज़्ज़त और उनकी पजीराई होती है, और यही एक वजह है। आज तो हम उसको देख रहे हैं लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है, वज़ीर ख़जाना भी वो रहे। जहाँ तक आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का हमारे साथ, तो सिंपल सी बात है, नो डाउट इंडिया हमसे बड़ी रियासत है, लेकिन उसके बावजूद जो वो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग वो इस चीज़ को देख रहे हैं, वो ये देखते हैं कि उनका लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर वो एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना वो अपनी बलूगत जाके अपना नाम क्यों नहीं बनाएगा? इंडिया का वो बंदा है, ऐसा क्या है उसमें कि इंडिया के लोगों में कि जो उसको बाहर के यूके के लोगों ने उसके साथ प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं? हमारे जो हुक्मरान है ना उन्होंने सिर्फ जो भी आए हैं ना वो खाओ पी हुए आए हैं सारे, अपने ही उन्होंने तवज्जो दी है, वो नेशनल सोच उनमें लोगों में नहीं रही, करप्शन वहाँ भी बहुत है, लेकिन उनके जो लीडर्स मिले हैं ना वो बड़े मुखलिस हैं अपने मुल्क के लिए।